हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बारे में, जिन्होंने अपने लास्ट आर्मर मार्क 85 को लेकर काफी सारे खुलासे किए, जिस वजह से हम अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के आयरन मैन के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानने लगे हैं। वेल, तो अब क्या है वो सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वो इंटरव्यू देखना है तो उस इंटरव्यू की वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम की IGTV पर अपलोड कर दी है, और जो लोग उस इंटरव्यू की डिटेल काफी अच्छी तरीके से चाहते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिए। खैर, तो उस इंटरव्यू में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ये बात साफ साफ बता दी कि जब टोनी स्टार्क ने अपने इस मार्क 85 के आर्मर को बनाया था तो टोनी स्टार्क को ये बात पता थी कि जब वो इस आर्मर को पहनेगा तो ये बात खुद टोनी स्टार्क के लिए कन्फर्म हो जाएगी कि वो इस मिशन से जिंदा बचकर वापस आ नहीं सकता। और जब आयरन मैन 1 फिल्म में टोनी स्टार्क ने मार्क 1 के आर्मर को बनाया था तो उस आर्मर से टोनी को उम्मीद जागी थी कि वो उस केव से जिंदा बचकर बाहर निकल सकता है, और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद आगे चलकर टोनी स्टार्क ने काफी सारे आर्मर्स बनाए, और मार्क 85 टोनी स्टार्क की लाइफ का एक आखिरी आर्मर था जिसे टोनी स्टार्क ने पहना और अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में फिंगर स्नैप कर खुद का सैक्रिफाइस भी कर दिया। और अब यहाँ पर फैंस को काफी डाउट भी है कि जब टोनी स्टार्क ने उस इन्फिनिटी गाउंटलेट को पहना तो टोनी स्टार्क पर उतना ज्यादा असर क्यों नहीं हुआ जितना ज्यादा असर ब्रूस बैनर यानी प्रोफेसर हल्क पर हुआ था तब जब उसने उस गाउंटलेट को पहनकर फिंगर स्नैप किया था। और यहाँ पर टोनी स्टार्क ने उस गाउंटलेट को काफी आराम से पहना और कुछ डायलॉग्स भी बोले, और उसके बाद जाकर टोनी स्टार्क ने फिंगर स्नैप किया जिस वजह से थैनोस और उसकी पूरी की पूरी आर्मी डस्ट बनकर उड़ गई। वेल, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो टोनी स्टार्क ने अपने सूट पर पूरे 5 साल तक मेहनत की थी, और ऐसा ही नहीं है, टोनी स्टार्क को इस खतरे का अंदाजा एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म से हो गया था कि फ्यूचर में कितनी बड़ी मुसीबत आएगी उन सभी सुपर हीरोज और पूरे यूनिवर्स पर, जिसके लिए उसे पूरी प्रिपेरेशन के साथ रेडी रहना चाहिए। लेकिन इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क की मेहनत कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में टोनी स्टार्क को 5 साल का और गैप मिला, जिस गैप में टोनी स्टार्क ने मार्क 85 के आर्मर को बनाया। और इसी बीच टोनी को ये भी पता था कि शायद कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकता है, इसलिए जब उसके पास कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और एंटमैन पहुंचे थे टाइम्स की डिटेल लेकर, तो वहां पर एक हिसाब से टोनी स्टार्क के दिमाग की बत्ती जल गई थी और उसे पता चल गया था कि वो किस जगह पर मिस्टेक कर रहे हैं। और तब जाकर अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में हमें देखने मिली एक टाइम ट्रेवलिंग की मशीन, जिसमें टाइम ट्रेवलिंग कर उन लोगों ने सारी के सारी चीजों को ठीक कर लिया। यानी देखा जाए तो यहाँ पर टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी एक इन्फिनिटी गाउंटलेट भी बनाया था जिसे हमने उसी फिल्म में देखा, लेकिन इस गाउंटलेट को जब ब्रूस बैनर यानी प्रोफेसर हल्क ने पहना तो हल्क का एक हाथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, जिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैंने आपको ऑलरेडी उसकी एक्सप्रेशन दी थी कि हल्क के उस हाथ के साथ फ्यूचर में क्या होगा। खैर, तो आते हैं इस टॉपिक पर, तो शायद यहाँ पर टोनी स्टार्क को ये नहीं पता था कि फिंगर स्नैप कर सारे के सारे लोगों को वापस लाने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए शायद हो सकता है कि टोनी स्टार्क ने इस सूट को और उस गाउंटलेट को ये सोचकर बनाया था कि जब स्नैप का असर बहुत ज्यादा बुरा होगा तो उसके शरीर पर उसका असर जल्दी नहीं होगा, ऐसे में टोनी स्टार्क के पास एक अच्छा खासा टाइम रह जाएगा जिस वजह से वो फिंगर स्नैप कर या फिर उसे ब्लिप कर सारी के सारी सिचुएशन सुधार लेगा। लेकिन बाद में इसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर हल्क को दे दी गई, और आखिर में आया टोनी स्टार्क का वही मोमेंट जिसमें टोनी स्टार्क ने एक लेजेंड काम कर दिखाया, जिस वजह से टोनी स्टार्क आज MCU में एक लेजेंड है। और इसी के चलते रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने यह भी बात कंफर्म की थी कि मरने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली थी, जिसके बाद जाकर स्टूडियो को ये डिसाइड करना पड़ा था कि कैसे जाकर वो लोग टोनी स्टार्क को एक लेजेंड दे सकते हैं, जो कि उन्होंने दी। यानी एक हिसाब से शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर अपने रोल में फिर से रिटर्न नहीं आना चाहते, लेकिन कुछ रूमर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहा यह भी जा रहा है कि टोनी स्टार्क हमें फ्यूचर की MCU की फिल्मों में नजर आ सकते हैं, लेकिन आयरन मैन के रूप में नहीं। गलत, तो उसका जवाब है टोनी स्टार्क की AI की टेक्नोलॉजी, जिसे हमने अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में देखा, जहां पर टोनी स्टार्क ने मरने से पहले एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया था, जिस मैसेज को टोनी स्टार्क ने खुद अपनी वाइफ और अपनी बेटी को कहा था एक AI के जरिए, यानी एक होलोग्राम। तो शायद हो सकता है कि ऐसी ही टेक्नोलॉजी हमें फ्यूचर की MCU की फिल्मों में भी देखने मिले, जहां पर टोनी स्टार्क लोगों को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ ज्ञान की बातें सिखाएगा, जो फिलहाल तो अब तक हमें दिखाई नहीं गई है। और अगर देखा जाए तो ये चीज कॉमिक बुक में भी है, जिस वजह से टोनी स्टार्क कॉमिक बुक में इसी की मदद से जिंदा है। और अब बात करें कुछ ऐसे लोगों की जो लोग टोनी स्टार्क को एक बिगड़ेल रईस समझते थे कि टोनी स्टार्क के पास इतना ज्यादा पैसा है और वो उन पैसों से कुछ भी चीजें कर सकता है जो वो करना चाहेगा, लेकिन एक तरीके से टोनी स्टार्क ने कुछ लोग यानी क्विंटन बेक, जिसे हम MCU के यूनिवर्स में मिस्टीरियो के नाम से जानते हैं, वो और उसकी पूरी की पूरी टीम को ही ये लगता है कि टोनी स्टार्क बहुत ही ज्यादा घमंडी है जो एक बेवकूफ मौत मर गया। लेकिन अब आपको पता चल गया है कि टोनी स्टार्क ने मार्क 85 आर्मर को ये सोचकर कि वो अब इस वॉर से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता है, और ऐसा ही हुआ फिल्म के एंड में। यानी अगर देखा जाए तो सिविल वॉर फिल्म के स्टार्ट में हमने देखी थी एक चीज, जहां पर टोनी स्टार्क को एक औरत आकर सीधे सीधे कातिल बताती है, जिसका असर टोनी स्टार्क पर बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ था, और टोनी स्टार्क नहीं चाहता था कि आगे चलकर दुनिया उसे इन सब चीजों की वजह से याद रखे। तो शायद ये एक रीजन भी हो सकता है जिस वजह से टोनी स्टार्क ने फिल्म के
एंड में वो डिसीजन लिया था। और अगर टोनी स्टार्क की स्मार्टनेस की बात की जाए तो टोनी स्टार्क ने काफी सारे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी बनाई, जिन टेक्नोलॉजीज को हमने बहुत ही ज्यादा डेडलीस्ट देखा। और ये टेक्नोलॉजी अब हमारे पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन के पास है, जिसे शायद हो सकता है कि वो फ्यूचर की फिल्मों में यूज करे। अब यहाँ पर मैं बात ड्रोन्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टोनी स्टार्क की बाकी की सारी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज के बारे में। जैसे कि पीटर को अगर आगे चलकर काफी सारे अलग अलग और बेस्ट सूट्स बनाने हैं तो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी वहाँ पर उसके लिए हाजिर है। और उसके बाद अगर वो काफी बुरी सिचुएशन में फंसता है तो उस टाइम पर भी टोनी स्टार्क की ही टेक्नोलॉजी उसे बचाएगी। और अगर लोगों की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी हाजिर है। और ऐसा ही कुछ टोनी स्टार्क ने अपनी वाइफ पेपर पॉट्स के लिए भी किया था कि आगे चलकर पेपर पॉट उसे रेस्क्यू करने के लिए आएगी। इसलिए टोनी स्टार्क ने एक रेस्क्यू आर्मर बनाया जो 5 साल बाद जाकर पेपर पॉट्स के यूज में आया। और उसके बाद मार्क 85 के आर्मर में हमने लाइटनिंग पावर की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की भी टेक्नोलॉजी देखी, जिसकी मदद से टोनी स्टार्क ने थानोस को बहुत बुरे झटके दिए। और हाँ, इसमें डेफिनेटली थॉर का भी था। और ऐसा ही नहीं है, टोनी स्टार्क इस टेक्नोलॉजी को अभी अभी यूज करने लगा है। अगर हम बाकी पुरानी फिल्मों को भी देखें एमसीयू की, तो उन सभी फिल्मों में भी हमें टोनी स्टार्क की वो टेक्नोलॉजी नजर आ सकती है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स को किस तरीके से टोनी स्टार्क ने आगे अपनी टेक्नोलॉजी से ठीक किया है, ताकि वो फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सके। जैसे कि बात करें अगर सिविल वॉर के रोडीज के उस इंसिडेंट्स की, जहां पर रोडीज विजन की वजह से सीधे आसमान से नीचे जमीन पर गिरता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है, तो टोनी को ये सबक मिला कि कभी भी सूट में एक इमरजेंसी पैराशूट्स को रखना ही चाहिए, जिसकी एक झलक हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में भी देखी, और इसके पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में कि किस तरीके से टोनी स्टार्क ने पीटर के सूट में पैराशूट्स को लगाया। और यहाँ तक कि आयरन मैन 1 फिल्म में भी हमने एक झलक देखी थी, जहाँ पर टोनी स्टार्क का सूट स्पेस में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं था। यहाँ तक कि जब वो सूट अर्थ की ग्रेविटी को पार करता तो उस वजह से वो सूट पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता, वो भी सिर्फ और सिर्फ कूलनेस की वजह से, जिसके कारण वो पूरा का पूरा सूट फ्रीज होने लगता। यानी एक हीटर की भी जरूरत टोनी स्टार्क को सूट में पड़ेगी, जिसकी झलक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम फिल्म में ही हमें देखने मिली कि किस तरीके से टोनी स्टार्क ने पीटर के सूट में एक हीटर भी लगाया है। वेल, तो ऐसी बहुत सी डिटेल्स है टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को लेकर, जिसकी डिटेल के लिए आपको सारी की सारी एमसीयू की फिल्मों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, खास करके टोनी स्टार्क के आयरन मैन के सभी सूट को, कि किस तरीके से छोटी छोटी मिस्टेक से टोनी स्टार्क सीखते सीखते आगे बढ़ा और एक एडवांस टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने फाइनली क्रिएट कर ली, जो कि थी मार्क 85, जो हर एक भारी से भारी सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से रेडी था। और ये सब छोटी छोटी डिटेल टोनी स्टार्क के कैरेक्टर को इसलिए एमसीयू में बहुत ही ज्यादा महान दिखाती है, जिससे एक बात तो पक्की है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की जगह एमसीयू में कोई भी आयरन मैन नहीं बन सकता, और ना ही कभी फ्यूचर में एमसीयू ये चीज ट्राई करेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आयरन मैन का एक अलग वर्जन हमें एमसीयू के फेज 4 में देखने मिले, जो कि आयरन मैन नहीं बल्कि उसी के रास्ते पे चल रहे कुछ लोग हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम निकल कर आता है आयरन हार्ट का, जो कि मार्वल कॉमिक की यूनिवर्स में फीमेल आयरन मैन है, जो टोनी स्टार्क की ही तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और उसके बाद दूसरा नाम निकल कर आता है आयरन लैड का, जिस कैरेक्टर की ज्यादातर तो उम्मीद यही की जा रही है कि हमें फ्यूचर में आयरन लैड का कैरेक्टर एमसीयू में नजर आएगा, क्योंकि उसके कुछ हिंट भी दिए गए हैं। और वो हिंट है टेस सिम्पकिंस का कैरेक्टर हर्ली, जिसे हमने इसके पहले आयरन मैन 3 में देखा और अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में टोनी स्टार्क के फिनरल में भी, जो मुझे लगता है पूरी तरीके से रेडी है एमसीयू के फेज 4 में दिखने के लिए, और इसीलिए शायद उन्हें अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में टोनी स्टार्क के फिनरल में दिखाया गया था। और बात करें आयरन हार्ट की, तो कहा यह जा रहा है कि ये कैरेक्टर भी हमें फेज 4 में नजर आ सकता है, और इसका रोल और कोई नहीं बल्कि अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में दिखाई गई टोनी स्टार्क की डॉटर मॉर्गन स्टार्क हो सकती है। तो अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये छोटी सी बच्ची लेक्सी बे एमसीयू के फेज 4 में नजर आएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लेक्सी बे जो मॉर्गन स्टार्क का रोल कर रही है, उनके अलावा भी एक और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था मॉर्गन स्टार्क के रोल में, और उस एक्ट्रेस का नाम था कैथरीन लैंगफोर्ड, जिनके पूरे के पूरे एक सीक्वेंस को डिलीट कर दिया गया, जहां पर वो टोनी स्टार्क यानी अपने फादर से मिलकर उनसे कुछ बातचीत करती है। तो वो डिटेल क्या थी, उसकी भी एक अलग वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी कि किस तरीके से अवेंजर्स एंड गेम फिल्म में सीन को डिलीट कर दिया गया। वेल, तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इस फिल्म से रिलेटेड या फिर कोई दूसरी और फिल्म से रिलेटेड मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सभी के सभी डीएम के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊं। हालांकि आपको वहां पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको वहां पर आपके सवालों के जवाब मैं देने की 100% कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल्स हैं, एक है द मूवी स्टॉक शो और दूसरा मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जहां पर मैं हॉलीवुड और कुछ बॉलीवुड फिल्मों की एक्सप्लेनेशन करता हूं। खैर, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।